सुल्तानपुर आज सहमा हुआ है। मामूली सी बात पर एक संकी ने तीन भाइयों को मौत की नींद सुला दिया। छोटी सी बात और खूनी खेल में पूरा परिवार तबाह हो गया। ट्रिपल मर्डर से तहला सुल्तानपुर, तीन भाइयों को सरफिरे ने उतारा मौत के घाट। मामूली कहा सुनी का कितना भयानक अंजाम देखा है आपने। जितना भी देखा हो, जितना भी सुना हो, शायद ही कोई ऐसा हो जिसमें तीन लोगों की हत्या हो जाए। वाकया सुल्तानपुर का है, जहां से ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई कि पूरा इलाका दहशत में है। एक मामूली बात को लेकर दो दिन पहले हुए विवाद में एक सरफिरे युवक ने धारदार हथियार से तीन भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। सरफिरे युवक पर इस कदर खून सवार था कि जो ही उसके सामने आया उसने उन सभी पर जमकर हमला किया और फरार हो गया। इस घटना में जहां तीन भाइयों की मौत हो गई, वहीं दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया है। इनके दुकान के सामने जो है लईक अहमद पेशाब कर रहे थे, वहां महिलाएं सो रही थी, तो महिलाओं को बुरा लगा, मना किए तो ये कल गंदी गंदी गाली दिया, आज इनके बच्चे आए पूछने लगे तो आमादा फौजदारी हो गया। दरअसल बीते सोमवार को इलाके का रहने वाला सरफिरा युवक लईक वहीं के रहने वाले सरफुद्दीन के घर के सामने पेशाब करने लगा। घर के सामने लईक को पेशाब करता देख जब सरफुद्दीन ने रोका तो दोनों में विवाद शुरू हो गया। सरफुद्दीन के घर वालों ने बीच बचाव कर मामले को शांत करा दिया, लेकिन इस मामूली विवाद में सरफुद्दीन के खिलाफ लईक के सर खून सवार हो गया, जिसके चलते बुधवार की देर शाम लईक धारदार हथियार लेकर सरफुद्दीन के घर पहुंच गया और उसके बेटे जावेद पर हमला कर दिया, जिस दौरान लईक ने उसके साथ साथ उसके दो और भाइयों को भी मौत के घाट उतार दिया। वहीं सरफिरे युवक लईक द्वारा खेले गए खूनी खेल की सूचना मिलने से पुलिस भी सख्ते में आ गई। एसपी विनय यादव पुलिस बल के साथ जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घटना की जानकारी ली। एसपी साहब की माने तो जल्द ही आरोपी लईक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि कोई एक छोटी सी घटना को लेकर वाद विवाद हुआ, जिसमें एक को छुरा मारा, उसके बाद जो भी बचाने आया उसको छुरा मारा। नाम आ रहा है उसका लईक का, लईक सनब मोहम्मद खलील का। इन तमाम दावों के बीच सोचने वाली बात सिर्फ इतनी कि क्या इतनी छोटी सी बात पर कोई किसी के घर को आखिर कैसे उजाड़ सकता है, कैसे एक ही घर के तीन जवान बेटों को मौत की नींद सुला सकता है। लेकिन ये हुआ है और इसीलिए सदमे में है सुल्तानपुर। नितिन श्रीवास्तव, सुल्तानपुर समाचार प्लस। ग्रेटर नोएडा आज शर्मसार है। दंकौर थाना क्षेत्र में पुलिस का शर्मसार करने वाला चेहरा सामने आया है, लेकिन थाना प्रभारी प्रवीण यादव खुद पर लगे आरोपों को गलत ठहरा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से शर्मसार कर देने वाली खबर। धरने को लेकर आग बबूला हुए थाना प्रभारी। पुलिस ने नंगे बदन महिला को सड़क पर घसीटा। सब कहते हैं हम सामाजिक हैं, हमें अपनी संस्कृति पर नाश है, हमें नाश है संस्कारों पर, हमें नाश है अपनी सभ्यता पर। लेकिन माफ कीजिएगा, इन तस्वीरों के सामने आते ही एक झटके में पता चल गया कि हम किस समाज के हिस्सेदार हैं और हमारी संस्कृति क्या है। बेबुनियाद है ये सभी बातें, क्योंकि जिस वक्त ये तस्वीरें ली गई न समाज कुछ कर रहा था, न समाज के ठेकेदार कुछ कर रहे थे और न संस्कारों की बात करने वाले कुछ कर पाए। सब तमाशा देख रहे थे और इन सब से ऊपर खाकी तमाशबीन थी। भौतिकी की भाषा में ये सिर्फ एक तस्वीर है, लेकिन हमें अफसोस है कि 70 mm के जमाने में भी हम पूरी तरह से इन तस्वीरों को आपको नहीं दिखा सकते। बावजूद इसके इन तस्वीरों में से कई सवाल चीख चीख कर ये कहते साफ नजर आ रहे हैं कि ग्रेटर नोएडा में दे दी गई लोकतंत्र की बलि। महावीर गुर्जर का नाम ले रहे थे, सारे जो है यदि खेत की तरफ जो है आए तो जो है महावीर गुर्जर ने हमें भेजा है, तुम दलित हो तुम कैसे आके जमीन कब्जे जमीन पर कर कैसे रहो, इधर की झांकना मत नहीं। तो हमने नंगे हुए हैं और हमारे साथ दुर्भाग्य किया गया है, कहा उनकी इज्जत लूटी गई।
पुलिस ने पीड़ित परिवार पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। पुलिस ने अपनी वर्दी फाड़ने का भी लगाया आरोप। महिलाओं समेत परिवार पर पुलिस ने दर्ज किया केस। दरअसल ये तस्वीरें विकास की अंधी दौड़ में भागते ग्रेटर नोएडा से हैं, जहां इंसानियत ने दम तोड़ दिया। मामला सुनील गौतम नाम के एक शख्स के साथ लूट का था, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करनी तो छोड़िए, मुकदमा तक नहीं लिखा। अब कार्रवाई नहीं हुई तो विरोध के चलते पीड़ित परिवार थाने के बाहर नंगे बदन बैठ गया, लेकिन यही देखकर थाना प्रभारी प्रवीण यादव गुस्से में आग बबूला हो गए और फिर नंगे बदन सबको घसीटते चले गए। हमारे साथ अन्याय होगा, कोई रिपोर्ट दर्ज आते हैं आज के तो उसमें FIR लगा दी जाती है, हम लोग उल्टा और धमका कर भगा, इसलिए हमने अपने उस करने के लिए हमने कपड़े उतारे और हमारे साथ बदतमीजी करी गई। अब क्या कहें ये लोग, किससे कहें, कहां मांगे ये जाके इंसाफ, क्योंकि जिस खाकी के पास ये गए थे वो सभ्य और शालीन होने का दावा करती है, समाज की सुरक्षा का बीड़ा उठाए हुए है, मित्र पुलिस होने का दंभ भरती है, लेकिन सोच और सच में कितना फर्क होता है उसकी तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो ये साफ बता रही है कि नोएडा पुलिस झूठी है। संजीव कुमार, ग्रेटर नोएडा, समाचार प्लस। बलिया से इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर आई है। कक्षा एक में पढ़ने वाले बच्चे के साथ दुष्कर्म किया गया और फिर एक रुपये देकर बच्चे की आवाज बंद करने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश के बलिया के नरही थाना क्षेत्र में एक मासूम बच्ची की इज्जत को महज एक रुपए में लूटने का मामला सामने आया है। कक्षा एक की छात्रा के साथ बलात्कार किया गया और एक रुपए देकर उसकी आवाज को दबाने का प्रयास किया और न मानने पर कुएं में फेंकने की धमकी के साथ छोड़ दिया गया। वहीं पे वैद्य पलक कह रहे थे एक रुपए देकर हमको गलत काम करवाए थे और कह रहे थे ना कि तुम ना तुम रोगी ज्यादा तुमको इनारा में फेंक देंगे। पुलिस ने इस मामले में मासूम बच्ची के परिजनों की तहरीर पर मामले में आरोपी के खिलाफ नरही थाने में रेप और धमकी का मामला दर्ज कर आरोपी युवक को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। 376 का एक मामला आया है और मुकदमा ले दिया गया, इसमें आरोपी जो है सुनील यादव हैं और बच्ची जो है नाबालिग है और CRPC के जो भी प्रावधान है उसके तहत तेजी से कार्रवाई की जा रही है। सवाल साफ है कि किस तरह के समाज में जी रहे हैं हम, जहां महज कक्षा एक में पढ़ने वाली छात्रा के साथ बलात्कार किया गया और फिर उसकी इज्जत की कीमत लगाई गई और समाज तमाशबीन बना रहा। बलिया से राजकुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। शादी का झांसा देकर महिला से गैंगरेप करने और फिर अश्लील वीडियो बनाने के मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, वो भी एक चिप के सहारे। पहले शादी का झांसा देकर भगाया, जेवर लूट लिए, गैंगरेप की और वीडियो भी बना लिया और इसी वीडियो से बलात्कारियों को उनकी सही जगह यानी हवालात में पहुंचा दिया। दरअसल कुछ लोग फरुखाबाद रेलवे स्टेशन से एक महिला को शादी का झांसा देकर फतेहगढ़ कोतवाली के बरगदिया घाट स्थित मल्लू की मड़ैया ले गए। यहाँ आरोपियों ने महिला की आबरू तार तार कर दी, इतना ही नहीं इनका वीडियो भी बना लिया और यही वीडियो पुलिस के पास पहुंच गया। वीडियो को आधार बनाकर पुलिस ने छापेमारी कर 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने महिला के गहने बरामद किए। उनके मोबाइल चेक किए गए तो मोबाइल चेक करने से यह रहा उद्घाटन हुआ कि उस पर एक वीडियो क्लिप मिला है ज्योति का और ज्योति के फेसबुक पर इन लोगों ने बलात्कार किया था और ज्योति बारे में लोगों को पूछताछ बताया कि फरुखाबाद रेलवे स्टेशन पर मिली थी और लगता था कि वो कुछ नशे की हालत में थी। FIR कथा अनुसार है ये बाला को ला करके उसको फादी का छापा देने के लेके आए थे और जहाँ पर इन लोगों ने वो दुष्कर्म के साथ किया। बहरहाल अभी तक महिला का सुराग नहीं लग सका है, इसके लिए पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर लिया है। पुलिस महिला को तलाश कर रही है। वीडियो को आधार बनाकर आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम को इनाम भी दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।
अगली खबर चंदौली से, जहां हत्या के एक मामले का पुलिस ने जब खुलासा किया तो सबके होश उड़ गए। दरअसल एक मासूम बच्चे की हत्या महज इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने मैसेज पढ़ लिया था। दिनांक 29/9/15 को जो है थाना अली नगर से एक अरविंद और छोटू की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। फिर बाद में पता चला कि जो है इनके घर के मोबाइल नंबरों पर कुछ मैसेज आए कि जो है इतने रुपये की फिरौती मांगी जा रही है और उस फिरौती के बाद इसको छोड़ा जाएगा। क्राइम ब्रांच और थाना अध्यक्ष अली नगर दोनों लोगों की टीम गठित की गई। जिला चंदौली के थाना अलीनगर का रहने वाला 12 साल का मासूम अरविंद उर्फ छोटू, जिसे 29 सितंबर 2015 के दिन किडनैप किया गया। वारदात वाले दिन पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी, लेकिन 3 दिनों बाद जब फिरौती की रकम मांगी गई, तो चंदौली पुलिस ने कमर कसते हुए क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर केस की तफ्तीश शुरू की और जिस सनसनीखेज से पर्दा उठा वहाँ हर शख्स हैरान रह गया। इसमें जांच की गई तो पता चला कि वह उसी घर के बगल नीरज कुमार गुप्ता, कार्केश्वर गुप्ता जो अलीनगर का ही रहने वाला है, वह जो छोटू है उसकी बहन से प्यार करता था और दोनों आपस में मैसेज करते थे। उस मैसेज को उसका जो लड़की का छोटा भाई है वो देख लिया था। जिस नंबर से किडनैपर ने कॉल किया उसे सर्विलांस की मदद से ट्रेस किया गया, तो नंबर किसी पेशेवर अपराधी का नहीं निकला, बल्कि पुलिसिया पूछताछ में इस बात की भी पुष्टि हुई कि छोटू की बहन से पड़ोस में ही रहने वाले नीरज का प्रेम प्रसंग चल रहा है। लिहाजा जब नीरज की गिरफ्तारी हुई तो फिर उस खूनी साजिश से भी पर्दा उठा, जिसे अंजाम देने वाला छोटू की बहन का आशिक नीरज निकला, जिसने मासूम छोटू को बहन का मैसेज पढ़ने की सजा बतौर मौत दे दी। उसको रास्ते से हटाने के लिए उसने जो है स्प्राइट जो पीने का है उसमें भांग मिलाकर जो है उसको गंगा जी के किनारे ले गया और वहीं से उसको धक्का देके नीचे फेंक दिया, इससे उसकी हत्या हो गई। इसको तस्दीक भी किया है। की आशिक नीरज के लिए मासूम छोटू राह का रोड़ा साबित हुआ, जिसकी वजह से नीरज की माशुका मिलने से कतराने लगी। माशुका को डर था कि अब उसकी आशिकी की कहानी से परिवार वाकिफ हो जाएगा, लिहाजा खूनी नीरज ने एक खौफनाक साजिश का ताना बाना बुना, लेकिन पुलिस से बचने में नाकाम साबित हुआ। उदय कुमार गुप्ता, चंदौली, समाचार प्लस। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां एक बेखौफ महिला ने बदमाशों के दांत खट्टे कर दिए। महिला ने डटकर अकेले ही 4 से 5 बदमाशों का सामना किया। बदमाश उसके बच्चे की हत्या की धमकी दे रहे थे, लेकिन बहादुर महिला की हिम्मत के आगे बदमाशों की एक न चली। हिम्मत हो तो नीलम सिंह जैसी, मादा हो तो नीलम जैसा, जिसने अपने जज्बे से बदमाशों को ऐसी पटकनी दी कि वो 9-2-11 हो गए। बदमाश आए थे बदहवास कर सब कुछ छीन लेने के लिए, लेकिन नीलम ने उन्हें ऐसी बदहवासी में ठकेला कि वो रफू चक्कर हो गए। मेरे बच्चे को मार, तुम क्यों उसको मत कुछ करो, कैसे पैसे लाओ, नहीं तो मार देंगे तुम, कि मेरे पास पैसे नहीं है, सब लॉक कर मैं टीम में है, जो रखे सब निकालो, हमके चाबी मेरी किचन में है, चाबी लेने दो, पहले मेरा बच्चा दोगे तुम जाएंगे, किचन में नहीं जाएंगे। सुबह की राजधानी लखनऊ में बदमाश इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि उन्हें पुलिस का भी खौफ नहीं रहा। पुलिस को वो सभी बदमाश बेबस समझ रहे थे, तो जनता को लाचार जहन में इसी इरादे से दिन दहाड़े इंदिरा नगर के तकरोही इलाके में डकैतों ने एक घर को अपना निशाना बनाया। उन्होंने महिला को पहले बंधक बनाया, उसके 1.5 साल के बच्चे को कब्जे में लिया, फिर मांग करने लगे जेवरात और रुपयों की। लेकिन कहते हैं ना, विपरीत परिस्थितियों में जो हार न माने, आखिरकार जीत उसी की होती है। बहादुर महिला नीलम ने अपने इसी हौसले से डकैतों की बेरहमी को मात दी। वो जो सितम ठाने को आए थे अब भाग खड़े हुए। बोले 3-4 लोग, हम जैसे कमरा खोले तैसे 3-4 लोग ऊपर से आए और उनके साथ में मतलब छीना झपटी, बच्चे को खींचना, बच्चे को कनपट्टी पे लगाना, ये सब किया उसने और एक को पकड़ी भी थी वह। अब मामला पुलिस के पास है, जिन्हें पहले से ही मुस्तैद रहना चाहिए था ताकि उनके मित्र जनता पर किसी को सितम ठाने का मौका ही ना मिले। नीलम सिंह के घर में आकांक्षा निवास में सूर्या सिटी के अंदर कुछ बदमाश घुस गए, जिसका उन्होंने बड़े बहादुरी से उन्होंने फाइट किया, फिर भी उनको घायल करके उन्होंने चुटहिल कर दिया है, फिर वो अस्पताल में भर्ती हैं।
बहरहाल लखनऊ की रहने वाली बहादुर महिला नीलम सिंह ने जिस तरह से डकैतों से दो दो हाथ किए, लोहा लिया और उन्हें मात दी, उसके बाद दिल और दिमाग से ये बात जरूर निकलेगी, हिम्मत हो तो नीलम सिंह जैसी। रामकिशोर पाल, लखनऊ समाचार। एक तो मुफलिसी और दूसरी तरफ सरकारी सितम। खबर झांसी के बिजौली इलाके से है, जहां सहारिया जाति के लोग बिजली बिल के करंट से दहशत में हैं और मारे डर के अनजान जगह पर छिपने को मजबूर हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। क्यों जंगलों में छिपे झांसी के लोग? जिस देश में बिजली आना एक खबर हो, उस देश में वही बिजली, जब बिजली विभाग की लापरवाही से जनता पर ही बिजली गिर जाए तो क्या कहेंगे। अब इन तस्वीरों को देखिए, सबके हाथ में बिजली विभाग की कृपा है, विभाग ने इन पर ऐसी कृपा बरसाई, त्राहिमाम त्राहिमाम मच गया। बेचारे खुद की बेचारगी के साए में आज जंगल में छिपने को मजबूर है। दिल थक थक कर थड़क रहा है, कहीं जेल जाने की नौबत ना आ जाए। परेशान हो रहा साहब, जो इतना बिल पटक दो। इतना बिल आ गया 4 लाख। आप करते क्या है? कचू ने जी मजदूरी करे साहब। बिल देख के जे लोग घबरा रहे हैं, घबरा रहे हैं। 3-3 दिन तक पहाड़ों में पातरी कहाँ घुसे रहते, रात में भी नहीं आते, दिन में नहीं आते, खाना भी खाना नहीं है, डर रहे हैं पैसा की माँ पैसा पकड़ना ले जाए। झांसी के रहने वाले ये सभी शहरिया आदिवासी हैं, जिन्हें बिजली विभाग ने आफत में डाल दिया है। बिजली विभाग ने जो बिल भेजा है उसने इनके होश ही फाख्ता कर दिए हैं। अब किसी के हाथ 4 लाख रुपए का बिल है तो कईयों के हाथ में 10 से 30 हजार के बिजली के बिल। अब सभी डीएम के चौखट पर खड़े हैं। हम लोग जांच कराएंगे कि आखिर ऐसा किन परिस्थितियों में हुआ कि 4 वर्ष से कनेक्शन इनका चला आ रहा है और बिल आज दिया गया, और निश्चित रूप से जो वाजिब रास्ता होगा उसके अनुसार इन्हें राहत दी जाएगी। जिन लोगों ने देरी की क्या कार्रवाई होगी उनपे? बिल्कुल। डीएम साहब का कहना है कि बिजली का ये बिल 4 सालों का है, लेकिन सवाल उठता है कि 4 साल तक क्यों कुंभकर्णी नींद में बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी सोते रहे, और जब नींद से जागे तो ये सभी जंगल में छिपने को मजबूर हो गए। शकील अली हाशमी, झांसी समाचार प्लस। क्या अखलाक 2017 तक जिंदा रहेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि अखलाक को रोज सियासतदान किसी ना किसी बहाने जिंदा रखने में जुटे हैं। वो हर रोज इस बात को सार्वजनिक जगहों पर अपनी राय के तौर पर रखते हैं, जहर उगलते हैं, जिससे लगने लगा है कि अखलाक 2017 तक जिंदा तो रहेगा ही। दादरी के रहने वाले अखलाक को कुछ अमन के दुश्मनों ने इस दुनिया से विदा करवा दिया। वो अब चला गया है, लेकिन अब लगता है वो अब भी जिंदा रहेगा। वो तब तक जिंदा रहेगा जब तक सियासतदान चाहेंगे। कभी खुशहाल हुआ करता था बिसाड़ा काम, लेकिन एक चिंगारी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। अखलाक जिसकी अमन के हत्यारों ने हत्या कर दी, उसके परिवार को हत्या की वजह कुछ और दिखती है। धर्म की वजह से ऐसा नहीं हुआ, धर्म के आड़ लेके ऐसा कराया उन्होंने, क्योंकि अब मैं बोलूंगा ऐसा हो गया तो आप नहीं मानोगे, पहले मैं देख आऊं। तो इस तरीके से क्या है कि उनको है आड़ ये लिया कि इस मामले में कोई आदमी हिंदू जाति के पीछे नहीं हटेगा, वो हम में एक हो जाएंगे, हमारी चल जाएगी। लेकिन देखिए, सियासतदान को कुछ और दिखता है। किसी को इसमें हिंदू मुस्लिम का रंग दिखता है तो किसी को देश की सरकार पर भरोसा नहीं। हालांकि बिसाड़ा गांव के हिंदू मुस्लिम परिवार के लोगों की ख्वाहिश है कि यहां फिर से अमन बहाल हो, जिसने अखलाक की हत्या की उसकी गिरफ्तारी हो, लेकिन सियासतदान की ख्वाहिश तो कुछ और ही है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है। आजम ने एक पत्र लिखकर यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ से मांग की है कि मुस्लिमों की दुर्दशा पर वो ध्यान दे। ये एक प्रकार का देशद्रोह है, और आजम को देश के किसी भी संवैधानिक पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। निर्वाचन आयोग को चाहिए कि वो उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करें। सियासत गर्म है, शिवसेना की नजर में आजम देशद्रोही है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का अपना ही तर्क है। तर्क ने जब उनके जहन में उफान मारा तो उन्होंने जनता के सामने नुमाइश कर दी। नमस्कार, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। अभी दादरी में कुछ लोगों ने एक मुसलमान को मार डाला। उसकी हत्या के आरोप में पुलिस ने उसी गांव के कई हिंदू परिवारों के बच्चों को गिरफ्तार किया है। इससे किसका फायदा हुआ? ये नेता तो अपने अपने घर चले जाएंगे अगले चुनाव की तैयारी करने, और अब तो इन नेताओं के लिए दंगे कराने के तरीके भी पुराने होते जा रहे हैं। गाय कटवा दो तो हिंदू भड़क जाते हैं, सुअर कटवा दो तो मुसलमान भड़क जाते हैं। कितना आसान हो गया इनके लिए दंगे कराना।
अरविंद को लगता है कि दाल में कुछ काला है, लेकिन जिस वक्त वो अपना विचार दुनिया के सामने रख रहे हैं उससे सोचने वाले तो कुछ और भी सोचेंगे। दरअसल ये इस देश की त्रासदी है कि सियासतदान उन्माद को रोकते नहीं बढ़ावा देते हैं। क्या हम अपने घर का मामला घर में निपटाएंगे या इसे दूसरे देशों के पास लेके हम जाएंगे? क्यों हम यूएन में जाएंगे? इससे आजम खान जी की मानसिक स्थिति का पता लगता है। मानसिक तौर से उनकी स्थिति खराब है, बुजुर्ग हो गए हैं, उनकी मानसिक तौर से स्थिति खराब है और उन्हें कम से कम अपनी देश की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये उनकी इस प्रदेश को और देश को बांटने की चाल है, वो हम कभी भी उनकी इस स्थिति को कभी भी सफल नहीं होने देंगे। प्रशासन ने बिसाड़ा गांव में नेताओं की आवाजाही पर रोक लगा दी है ताकि वो सियासत ना कर सके, लेकिन साध्वी प्राची कहां मानने वाली, वो दादरी गई और ऐसे बोल बोले कि उनके बोल में कुछ और दिखा। ये षड्यंत्र है हिंदुओं के खिलाफ आजम खान का। 1 करोड़ रुपए दिया है आजम खान ने हिंदुस्तान की छवि खराब करने के लिए। प्राची उग्र अवतार में है तो हिंदू वाहिनी बिसाड़ा जाकर कुछ ऐसा करना चाहता है जिसमें वो सफल हो जाएंगे तो हिंदुस्तान के दिलों में फिर से दो फाड़ होंगे। हमें पता लगा है कि जो जिस आदमी की हत्या हुई, जिसके साथ मारपीट हुई थी, तो उसने गाय का मीट खाने के लिए काट रखा था और वो पाकिस्तान की गतिविधियों से मिला हुआ था। तो हम गांव के लोगों से मिल गए, इस बात को साफ करना चाहते हैं, क्या ये सच है या झूठ है। दादरी के अखलाक अब जिंदा नहीं, लेकिन उसी के बहाने हर कोई अपनी जमीन तैयार करने में आमादा है। जामा मस्जिद के इमाम सैयद बुखारी ने आजम खान को निशाने पर लिया है। उन्होंने तमाम संगीन इल्जाम आजम खान पर लगाए हैं। बुखारी ने कहा है कि आजम पैसे लेकर गोकशी कराते हैं, यूपी में जितने दंगे हुए उनके लिए वही जिम्मेदार है। अगर आप रामपुर में देखें तो रामपुर में खुलेआम गाय का गोश्त बिक रहा है, आजम खान के पास पैसे पहुंच रहे हैं काटने के, वहां की पुलिस पैसे ले रही है। जो शख्स मुजफ्फरनगर के वाकई का जिम्मेदार है वही दादरी के वाकई का जिम्मेदार है और अपने जुर्म को छुपाने के लिए वो ये कह रहा है कि हम यूनाइटेड नेशन जाएंगे। तो इसे क्या मान लिया जाए, अखलाक 2017 तक जिंदा रहेगा, यानी यूपी में 2017 विधानसभा चुनाव के बाद ही कहीं जाकर दुनिया ये मान पाएगी कि अखलाक को किसी ने मार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। चलिए आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज से यानी कि 8 अक्टूबर से अपने 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में पहुंच रहे हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव प्रचार के बाद गृहमंत्री आज शाम 5 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर महानगर के कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। शाम 5:30 बजे राजनाथ सिंह अपने 4 काली राजमार्ग पर पार्टी कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों से मिलेंगे। गृहमंत्री 9 अक्टूबर को कपूरथला अलीगंज स्थित स्वर्गीय डीपी बोरा मार्ग का लोकार्पण करेंगे। साथ ही माधव सभागार निराला नगर में स्वर्गीय डीपी बोरा की 75वीं जयंती के अवसर पर वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस दौरान राजनाथ सिंह 10 अक्टूबर को सुबह 10 बजे बिहार के लिए रवाना हो जाएंगे। कानपुर के ग्रीन पार्क में होने वाले भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 11 अक्टूबर को होने वाले वनडे मैच में खास व्यवस्था की जा रही है। वीवीआईपी के लिए बैठने के लिए खास व्यवस्था की जा रही है। हालांकि आम दर्शकों को खुले में ही बैठकर मैच का लुत्फ उठाना होगा। वीवीआईपी के लिए यहां लाखों रुपए के आलीशान सोफे होंगे, वहीं आम क्रिकेट प्रेमी खस्ताहाल सीढ़ियों पर खुले में बैठकर मैच देखेंगे। देश में क्रिकेट के लिए लोगों का जुनून किस कदर है ये किसी से छिपा नहीं है। कानपुर में 11 अक्टूबर को होने जा रहे भारत साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले मैच को लेकर भी दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है, लेकिन लोगों में नाराजगी भी है क्योंकि मैच के टिकट दर्शकों को नहीं मिल पा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, जहाँ एक तरफ विकलांग क्रिकेट प्रशंसकों ने ग्रीन पार्क स्टेडियम में वीआईपी गेट पर हंगामा किया तो दूसरी तरफ आईसीआईसीआई बैंक के बाहर लड़कियों ने प्रदर्शन किया। ये लड़कियां मैच के टिकट न मिलने से नाराज। दादरी में हुई हिंसा को लेकर यूएन में आजम खान द्वारा भेजी गई चिट्ठी को लेकर शिवसेना के बाद विपक्ष हिंदू परिषद ने भी यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री आजम खान के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। परिषद का मानना है कि आजम खान ने दुनिया भर में भारत को बदनाम करने के लिए साजिश के तहत ये कदम उठाया है। उनके मुताबिक आजम ने जो भी आरोप लगाए हैं वह पूरी तरह से गलत है।
वाराणसी में संतों की प्रतिकार यात्रा के दौरान हुई हिंसा के मामले में जिस तरह वाराणसी पुलिस ने कांग्रेसी नेता अजय राय को गिरफ्तार किया है, उससे कांग्रेसियों में भारी नाराजगी है। कांग्रेस ने केंद्र और प्रदेश सरकार के साथ ही पीएम मोदी पर भी दुर्भावना से कार्रवाई का आरोप लगाया। बनारस में मीडिया से बात करते हुए प्रतिकार रैली में शामिल कांग्रेसी विधायक ने कहा कि अजय राज और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद काफी समय से वाराणसी के सांसद पीएम मोदी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और इसीलिए पीएमओ के इशारे पर इन्हें फंसाया गया है। और साधु संत समाज के विरुद्ध जो कार्रवाई। महिलाबाद के नैनी सेंट्रल जेल में उस समय हड़कंप मच गया जब विनोद कुमार पांडे नाम का शख्स के पास से पिस्टल बरामद हुई। विनोद कुमार पांडे सजायाफ्ता कैदी आसिफ और सलीम से मिलने आया था और तलाशी के दौरान उसके पास से पिस्टल बरामद हुई है। आसिफ और सलीम हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। विनोद नाम का शख्स प्रतापगढ़ का रहने वाला है। गाजियाबाद में क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में 11 साल की बच्ची वसुधा की 10वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कुर्सी पर चढ़कर बालकनी से नीचे झांकते हुए हादसा हुआ। यह हादसा पंचशील वेलिंगटन सोसाइटी में हुआ। नीचे गिरते ही बच्ची ने दम तोड़ दिया।